नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। कुछ प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज भी करेंगे और आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं, जिसे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह प्रश्न था, सुनील चंद्र दुबे को झारखंड के किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए कोल्हान विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अथवा ऑप्शन डी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। दोस्तों आपको बता दें कि सुनील चंद्र दुबे को कुछ दिनों पहले ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। आइए इसे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। आपको बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि कांके रांची में स्थित है, इस विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक सुनील चंद्र दुबे को और उन्हें नियुक्त किया गया है 3 वर्षों के लिए। और तत्कालीन कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह के रिटायर होने के बाद ही कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में सुनील चंद्र दुबे की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में सुनील चंद्र दुबे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं प्लांट प्रोटेक्शन एंड बायो सेफ्टी की दौलत को ये देखते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर दुबे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ही 1989 से 2001 तक असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर चुके हैं। यह था आज का अभ्यास प्रश्न, पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अब नए करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और आज का पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जस्टिन इमाम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी खिलाड़ी, ऑप्शन सी सांसद अथवा ऑप्शन डी न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, वे प्रसिद्ध कलाकार थे। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड का प्रसिद्ध सोहराई कला और खोवर कला को लोकप्रिय बनाने वाले जस्टिन इमाम, जिनका उम्र मात्र 49 वर्ष था, हजारीबाग में उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता बुलू इमाम जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद भी हैं, उनके ये बड़े सुपुत्र थे। आपको बता दें कि जस्टिन ने सोहराई कला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। जस्टिन के प्रयासों के कारण ही सोहराई और खोवर चित्रकला को भारत के नए संसद भवन की दीवारों में जगह मिल पाई है। जस्टिन ने आदिवासी कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न को। और दूसरा नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन ए है सूर्य सिंह बेसरा, ऑप्शन बी वीर प्रताप मुर्मू, ऑप्शन सी दमयंती बेसरा अथवा ऑप्शन डी मान सिंह मांझी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वीर प्रताप मुर्मू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी अनुवाद 2023 पुरस्कार वीर प्रताप मुर्मू को देने की घोषणा की गई है जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं। अगर इनकी उपलब्धि की बात करें जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है, मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास प्रतिज्ञा का इन्होंने संथाली में अनुवाद किया है और यह जो अनुवादित पुस्तक है इसका नाम है किरा, जिसके लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है वीर प्रताप मुर्मू को। आपको बता दें कि वर्तमान में वे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल झारखंड में टीचर हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। इसके अलावा आप देख लेते हैं साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के बारे में। आपको बता दें कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त अकादमी ने 1989 से अनुवादों के लिए भी पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार संथाली की शुरुआत की गई थी 2005 में और कुल अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में विशिष्ट अनुवादकों यानी डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर्स को पुरस्कृत करता है।
साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के रूप में पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपये की राशि, ताम्रफलक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के तीसरे नंबर प्रश्न को। और आज का तीसरा नंबर करंट अफेयर्स का प्रश्न है, झारखंड के किस विधायक को आइडियल यंग एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए बेबी देवी, ऑप्शन बी अंबा प्रसाद, ऑप्शन सी पूर्णिमा नीरज सिंह अथवा ऑप्शन डी जोबा मांझी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पूर्णिमा नीरज सिंह। आपको बता दें कि झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को आदर्श युवा विधायक सम्मान यानी आइडियल यंग एमएलए अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया। पुणे में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय छात्र संसद कॉन्क्लेव यानी इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट कॉन्क्लेव के 13वें एडिशन संस्करण में गवर्निंग काउंसिल के द्वारा उन्हें यानी पूर्णिमा नीरज सिंह को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों विधायक शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने जनजातीय संस्कृति केंद्र का शिलान्यास सरायकेला खरसावां जिले में किया है। ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू अथवा ऑप्शन डी चंपा सोरेन। इसका उत्तर है ऑप्शन ए अर्जुन मुंडा, जो कि खूंटी से सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई है यानी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा यह फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जो कि सरायकेला खरसावां जिले में रखा गया है। यह संग्रहालय यानी म्यूजियम झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत को पोर्ट्रे करने यानी चित्रित करने और उसे प्रिजर्व करने के एकाएक प्रयास है, ताकि झारखंड के प्रसिद्ध जो आदिवासी समुदाय की विरासत है उसे संरक्षित किया जा सके। 10 करोड़ रुपए की अनुमति भी इसके लिए यानी आवंटन भी इसके लिए किया गया है। आज का प्रश्न नंबर 5 है, प्रधानमंत्री ने झारखंड में कितने करोड़ के विकास परियोजनाओं का अनावरण हाल ही में किया है। इसके लिए ऑप्शन ए है 8,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 35,700 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 45,700 करोड़ रुपए अथवा ऑप्शन डी 55,700 करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 35,700 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का अनावरण कुछ दिनों पहले किया। प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, रेल, विद्युत और कोयला क्षेत्रों पर केंद्रित कई विकास पहलों की शुरुआत की है, जिसका कुल लागत 35,700 करोड़ रुपए के लगभग है। हल यानी हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड्स 8,900 करोड़ की लागत से विकसित की गई है और हल के सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का लक्ष्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों, अब इसके अलावा दोस्तों आपको और बता दें कि भारत में पुनर्संचालित होने वाला यह तीसरा उर्वरक संयंत्र है। पहला उर्वरक संयंत्र गोरखपुर और दूसरा रामागुंडम है। आपको बता दें कि चतरा में करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित एसटीपीपी यानी नॉर्थ कर्णपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट भी इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया। झारखंड में 17,600 करोड़ से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया था इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा। यह था दोस्तों करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न। आइए अब देखते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवीजन के तौर पर। और इसके तहत आज का पहला प्रश्न है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए कौन सी योजना या कार्यक्रम झारखंड में चलाया जा रहा है। इसका उत्तर है दोस्तों फसल सुरक्षा कार्यक्रम। दूसरा प्रश्न है, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने किस स्थान पर नए हार्ड और सॉफ्ट कोक प्लांट लगाने पर रोक लगा दी है। इसका उत्तर है धनबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के गुमला जिले के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलाने की पहल उपायुक्त सुशांत गौरव ने शुरू किया है। इसका उत्तर है मांदर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के संस्थापक जिनका 36वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2023 को मनाया गया, यह है दोस्तों निर्मल महतो।
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची में दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में, और जो थीम था वो था इंडिजिनस यंग एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। आइए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी रिवाइज कर लेते हैं। और यह प्रश्न है, जे ईरानी जिनका कुछ दिनों पहले निधन हो गया, किस कंपनी से जुड़े रहे थे? बता दें वे लंबे समय तक टाटा स्टील से जुड़े रहे थे। टाटा स्टील, टाटा एंड सन्स में एमडी के तौर पर भी उन्होंने सेवा दिया है। झारखंड में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान क्या है, जिसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को की गई थी? इसका उत्तर है टीकाकरण अभियान है। झारखंड सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत लोगों को कितना लीटर पेयजल का वितरण प्रतिदिन किया जाएगा? इसका उत्तर है 55 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को किस उद्देश्य से पारित किया गया है? इसका उत्तर है स्वास्थ्य शिक्षा को सुव्यवस्थित करना, राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करना और मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाना, यानी चांसलर बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के तहत इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होगा? दोस्तों, इसका कुलाधिपति मुख्यमंत्री होगा, यानी मुख्यमंत्री अब स्वास्थ्य झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलाधिपति यानी चांसलर नियुक्त किया जाएगा। यह था फनलाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्न जिसका रिवीजन हम लोगों ने किया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में स्वच्छता के मामले में झारखंड का कौन सा शहर शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहा है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी जमशेदपुर अथवा ऑप्शन डी बोकारो। दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में करके बता सकते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसका उत्तर भी देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।